नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बवासीर का एक ऐसे ही ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने खूनी और बादी दोनों प्रकार के बवासीर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि बवासीर दो प्रकार का होता है, एक खूनी बवासीर और दूसरा बादी बवासीर। खूनी बवासीर में ब्लड निकलता है और बादी बवासीर में मस्से बन जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों के पेट में अक्सर गैस और कब्ज की शिकायत होती है तो उन्हें बवासीर की शिकायत ज़रूर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करके आप अपने पुरानी से पुरानी और भयंकर से भयंकर बवासीर की समस्या को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमें इस नुस्खे को किस प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, वो है दोस्तों बथुआ। जी हाँ, बथुआ को हिंदी में बथुआ, चिल्ली साग, गुजराती में टांकू, पंजाबी में बाथू, मराठी में चाकवत और बंगाली में चंदन, नेपाली में बथू के नाम से जाना जाता है। इस बथुए की मदद से आप अपने खूनी बवासीर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बथुआ आपको सब्जी के बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। तो हम यहाँ पर लेंगे बथुआ और इसे पीस कर इसका जूस तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आधे गिलास की मात्रा में दूध लेंगे और इसी दूध में हम जो बथुए को पीस कर इसका जूस निकाला हुआ है उसको इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों, इस दूध की मदद से आपकी जो बादी बवासीर है उन्हें ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। तो हम लेंगे एक छननी और इस छननी की मदद से लगभग 20 से 25 ml की मात्रा में छान लेंगे इस बथुए के जूस को। दोस्तों, नुस्खा बिल्कुल ज़बरदस्त होगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप मेरे बताए अनुसार बस इस नुस्खे का एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर महसूस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर मात्र 20 से 25 ml की मात्रा में इस दूध में इस बथुए के जूस को इसमें ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम इस दूध में एक और इन्ग्रीडियंट इस्तेमाल करेंगे, वो है दोस्तों नींबू। जी हाँ, नींबू की मदद से आपकी खूनी बवासीर है वो ख़त्म हो जाता है। इस नींबू में विटामिन सी, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। साथ ही साथ इस नींबू की मदद से आपकी पेट में जो लंबे समय से गैस और कब्ज की शिकायत बन रहा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें मात्र एक नींबू का टुकड़ा लेंगे और इसका जूस इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नींबू का जूस को इसमें ऐड कर लिया। दोस्तों, आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप सबसे पहले इस दूध और बथुए के पेस्ट को सबसे पहले अच्छी तरह से आपको मिला देना है और मिलाने के बाद से आप जब पीने जाएं तब तुरंत इसमें नींबू के जूस को इसमें ऐड करें और उसके बाद से आपको तुरंत पी जाना है। नींबू के जूस को इसमें मिलाने से अगर आप 1 से 2 मिनट तक रखेंगे तो ये दूध फट जाएगा, जो कि आपको इसको फटने से पहले पी जाना है। दोस्तों, अगर आप मेरे बताए अनुसार इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो बवासीर की शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए आप सुबह जब भी फ्रेश हो जाएं तो फ्रेश होने के बाद से आप इस नुस्खे को तैयार करें और तुरंत इसे पी जाएँ। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह खाली पेट मात्र 3 से 4 दिन तक इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो बवासीर की शिकायत है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आपकी बवासीर में जो ब्लड निकल रहा है वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और आपकी धीरे धीरे बवासीर ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि जो भी लोग बवासीर की समस्या से बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो वो अपना इलाज कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।